गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप अगला वीडियो क्लास 11 लेसन नंबर 5 पीपर द पेन थम पेट के बारे में पढ़ रहे थे। आपको पिछले वीडियो बताया गया था कि ऑल द चिल्ड्रेन यानी सभी बच्चे उस लड़की यानी पिया से सब वन बाय वन एक एक करके उस पेट एनिमल के बारे में पूछना शुरू किए, वो क्या खाता है, क्या पहनता है, कब से तुम्हारे पास में है, कहाँ सोता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल द चिल्ड्रेन आस्किंग टू द पिया। अब आप इसके आगे से पढ़ेंगे तो टीचर, जब सारे बच्चे हल्ला किए तो टीचर बोलती है चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन कॉम डाउन, बच्चों बच्चों शांति बनाओ, कॉम डाउन प्लीज, शांति बनाओ कृपया, अदरवाइज आई विल गिव यू ए राइटिंग टॉस, अन्यथा मैं आप लोगों को पनिशमेंट के तौर पर वर्क दे दूंगी, टास्क दे दूंगी काम करने के लिए। तो मतलब टीचर ने उस धमकी दिया बच्चों को। तो एट दिस दे आर इमीडिएटली क्वाइट, जब टीचर ने ऐसा बोला तो सारे बच्चे डर गए और तुरंत एकदम कीप क्वाइट शांति बना लिए। स्टूडेंट फिफ्स ए गेट सम फोटो एंड ऑल, सवाल किया अगला बच्चा कि पिया तुम उसकी फोटो दिखाओ, उस पेट एनिमल का यानी उस मंकी का हमें तस्वीर तो दिखाओ। फिर अगला स्टूडेंट्स व्हाई फोटो, फोटो ही क्यों, व्हाई कैन नॉट पिया ब्रिंग द मंकी टू क्लास, वह उस बंदर को वह कक्षा में क्यों नहीं लाएगी, क्लास में ही लेकर आए। स्टूडेंट्स मैम मैम यानी मैडम मैडम टेल हर टू ब्रिंग द मंकी टू क्लास, मैडम इसको बोल दीजिए कि यह इस बंदर को स्कूल में लेकर आए। यस यस लाइक ए शो एंड टेल प्लीज मैडम, दिखाने के तौर पर इसे कह दो मैडम या लेकर के आए। ब्रिंग द मंकी टू द क्लास, नो पिया उसको लेकर के आओ, क्या लेकर के नहीं आओगी। टीचर ऑल राइट ऑल राइट आई विल आस्क द प्रिंसिपल टू स्पेशल परमिशन, अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लिए इस विषय पर प्रधानाचार्य जी से अनुमति लूंगी, एक स्पेशल परमिशन खास आदेश। बेल रैंग इट इज रेसस टाइम, तब तक रेसस का समय हो जाता है, घंटी बज जाती है समा। पिया हे पिया द प्रिंसिपल कॉलिंग यू, प्रधानाचार्य जी आपको बुला रहे हैं। व्हाट व्हाई व्हाट हैव आई डन, क्या क्यों मैंने क्या किया, यानी वो डर गई कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे बुलाया जा रहा है। इंटर द प्रिंसिपल ही कॉल पिया, जैसे ही प्रवेश किया सी गोज टू हिम ट्रेम्बलिंग, धीरे धीरे वह ट्रेम्बलिंग कांपते हुए प्रिंसिपल के केबिन में वह प्रवेश करती है। प्रिंसिपल आह यस पिया योर टीचर हैज जस्ट इन्फॉर्म मी, अरे पिया आओ आ जाओ, तुम्हारी टीचर ने अभी अभी मुझे इन्फॉर्म किया है डैट यू हैव डिलाइटफुल मंकी एज ए पेट, तुम्हारे पास एक पालतू जानवर के रूप में एक डिलाइटफुल माने प्रसन्न कर देने वाला बंदर है, बट दिस इज जस्ट वंडरफुल अद्भुत है, आई थिंक इट वुड बी ए वंडरफुल आइडिया, मेरे विचार से यह एक अद्भुत विचार होगा टू ब्रिंग योर मंकी टू स्कूल, उस बंदर को स्कूल में लाओ। व्हाट डिड यू से हर नेम वाज गरम मसाला, मतलब प्रिंसिपल ने उस बंदर का एक अलग नाम दिया, उसको कहते क्या हो या गरम मसाला। तो पिया पी 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 यानी पीपर यानी एक कल्पना एक काल्पनिक प्रिंसिपल। पिया व्हाट्स रॉन्ग विद यू नॉट फीलिंग वेल डियर, जब पिया डरते हुए उसका नाम लिया पी पी करके ऐसा, तो प्रधानाचार्य जी ने बोले क्या हुआ
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बच्ची? देन आई वुड रियली बेटर कॉल योर ब्रदर। तो अगर ऐसी बात है तुम वास्तव में, मैं तुम्हारे भाई को इन्फॉर्म कर देता हूँ या बुला देता हूँ। गिव मी हिज मोबाइल नंबर, उसका मुझे नंबर दे दीजिए। आई विल ऑक्स हिम अबाउट द मंकी, मैं बंदर के बारे में भी बोल दूंगा। एंड देन आई विल टेल हिम टू टेक यू होम व्हाट्स हाउ डेट्स। तो उसको बोल दूंगा कि वह बंदर को भी लाएगा और यहाँ से तुमको भी लेकर के वापस चला जाएगा। पिया इमीडिएटली स्ट्रेने था, जब प्रिंसिपल की ऐसी बात सुनी हो तो तुरंत वो सजग होकर के खड़ी हो जाती है। नो नो सर, आई एम ओके, आई एम फाइन। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। आई विल, रुक रुक करके वो बोल रही है, आई विल ऑक्स माई ब्रदर माई सेल। मैंने वो डरी हुई है और वह शब्द को एक एक करके मतलब डरते हुए बोल रही है, मैं अपने भाई से माई सेल स्वयं बोल दूंगी। अबाउट द मंकी, आई मीन, मेरा मतलब है बंदर के बारे में। प्रिंसिपल, व्हाट्स चाइल्ड, क्या हुआ बच्ची? इट्स योर वेरी ओन ब्रदर, यह तुम्हारा भाई है। सी, देखो, ही विल टेक यू टू द सिक रूम, वह तुम्हें उस सिक रूम में ही मिलेगा। ही कॉल, ही कैन कॉल योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स से बोल दिया है, फ्रॉम माई मोबाइल, एंड दैट टाइम आई कैन आक्स अबाउट द मंकी, मैं बंदर के बारे में भी बोल दिया हूँ। नाउ इज नॉट दैट ए ग्रैंड, क्या ए अच्छी बात नहीं है? आह यस अभी, कम हियर प्लीज, प्रिंसिपल बोला, अभी कृपया अंदर आ जाओ। अभी यानी उसका भाई है पिया का, रनिंग फ्रॉम राइट विंग्स, दाहिनी तरफ से दौड़ता हुआ आता है। यस सर, श्रीमान जी, इज माई सिस्टर इन ट्रबल अगेन, क्या मेरी बहन फिर से ट्रबल हुई? वंस अगेन प्रिंसिपल, व्हाई चाइल्ड्स, इट्स योर वेरी सून ब्रदर, कौन ब्रदर, या तुम्हारा भाई है। सी, ही विल टेक यू टू द सिक रूम, वह तुम्हें सिक रूम में मिलेगा। ही कैन कॉल योर पेरेंट्स फ्रॉम माई मोबाइल, एंड एट द टाइम आई कैन आस्क अबाउट द मंकी, वह बात कर लिया गया है और मैं उसको बंदर के बारे में ही बोल दिया हूँ। नाउ ही इज नॉट द ग्रैंड, क्या यह अच्छी बात नहीं? आ यस अभी, कम हियर प्लीज, अभी अंदर आओ। अभी रनिंग अप टू राइट विंग्स, सर इज माई सिस्टर इन ट्रबल अगेन, क्या मेरी बहन फिर से ट्रबल हुई, फिर से वो परेशान हो गई? प्रिंसिपल नो, नहीं ऐसी बात नहीं है पिया। यस हाँ प्रिंसिपल, आई थिंक योर सिस्टर इज नॉट फीलिंग टू वेल, मेरे ख्याल से तुम्हारी बहन अपने को सहज महसूस नहीं कर रही है। आई डू नॉट नो व्हाट हैज हैपनेड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ माजरा क्या है या क्या बात हुआ। सी सीमेड फाइन, वह अच्छी फाइन महसूस कर रही थी। टिल आई स्टार्टेड आस्किंग हर अबाउट योर मंकी, जब तक कि मैं उस बंदर के बारे में कहा। मंकी, अभी बोला मंकी क्वेश्चन भरी दृष्टि से। प्रिंसिपल, हाँ हाँ यस यस, यू मस्ट बी कन्फ्यूज, तुम्हें कन्फ्यूज होगा, व्हाट विथ ऑल द गरम मसाला एंड काली मिर्च। हाँ हाँ, बट यू सी बेटा, प्रिंसिपल ने बोला, तुम्हारा क्या कहना है उस गरम मसाले और काली मिर्च के बारे में? हंसता है प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी। इसके बाद बोलती है, बेटा इट्स लाइक दिस, यह ऐसा ही है, योर सिस्टर पिया हैज क्रिएटेड ए सेंसेशन इन द स्कूल टुडे, आपकी जो बहन है उसने एक वर्तमान में प्रेजेंट में एक क्रिएट किया कहानी टुडे बाय टेलिंग हर क्लास अबाउट योर पेट मंकी, उस पालतू जानवर के बारे में। पीपर यस सेंटेशन यस, सो पीपर गोन टू योर हेड फाइनली हैज नॉट ही, तो अंततः कल्पना तुम्हारे विचार में फिर से आ गया। नोडिंग सी, बोलती है नहीं, सिर हिलाते हुए बोला नहीं। व्हाट, क्या?
away. The peeper, the sea monkey has gone to head. Abhi, please. वही विचार यानी बंदर मेरे दिमाग में एक बार पुनः आया. यानी सी पीपर द मंकी हैज गॉन टू माय हेड. अभी प्लीज. नो एक्चुअली आई इट्स माइन सीडी सिस्टर फॉल. मेरी मूर्ख बहन का गलती है. माय पेरेंट्स नोइंग दैट सी कैन नॉट हैंडल एनी साइड फॉर लॉन्ग. मेरे पेरेंट्स जानते हैं कि किसी भी हैप्पीनेस को इतने लंबे समय तक हैंडल नहीं कर पाएंगी. हैव सेंड द पुअर मंकी बैक टू साउथ अमेरिका. इसलिए मेरे पेरेंट्स ने बंदर को साउथ अमेरिका भेज दिया. ऑल इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ओ. प्रधानाचार्य की तरफ मुड़ा बोले ओ. डेट जस्ट सो बैड. यह तो बहुत बुरा हुआ. बोस इमेज जी पुअर पिया वाज गोइंग टू बी अरेस्टेड. भगवान ने रक्षा किया कि यह कल्पना बेचारे पिया को फिर से एक मुसीबत के घेरे में डालता. अभी या आई वाज होपिंग डैट शी वुड बी. मेरे ख्याल से ऐसा ही हो. आई विश आई कुड हैव स्लीप हर बैग टू द साउथ अमेरिका जंगल एंड केप द मंकी इनस्टेड. मेरे ख्याल से मैंने उसको क्या बैग भेज करके अमेरिका भेज करके सीपेट कर दिया है अमेरिकन जंगल में एंड केप द मंकी इनस्टेड और उसको पालने के बजाय. बेल रंग फिर से घंटी बजता है. प्रिंसिपल एंड टीचर स्टार्टेड सेंडिंग द चिल्ड्रेन टूवर्ड द विंग्स. प्रिंसिपल और टीचर बच्चों को पुनः वंस मोर या वंस अगेन अपने कक्षा की तरफ जाने के लिए बोलते हैं. वेल वेल दैट्स इन टू डैट. अंत हुआ. टू बैड बुरा हुआ. वी वुड नॉट एबल टू विजिट सच इमेजिंग क्रीचर. हम इस अद्भुत प्राणी के बारे में नहीं जान पाए. नाउ कम ऑन एवरीवन बैक टू द क्लास. प्रिंसिपल ने आदेश दिया अब सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ. टीचर कम ऑन एवरीवन बैक. आ जाओ आ जाओ. ने टीचर ने ऐसा ऑर्डर किया बच्चों को. प्लीज गेट बैक टू क्लास. ब्रेक टाइम ओवर. कृपया ब्रेक टाइम ओवर हुआ अब अपने कमरे में जाओ. आइस द चिल्ड्रेन लीव. जैसे ही बच्चे लीव किए ड्रैगिंग दियर फीट अनविलिंगली अपने पैरों को घसीटते हुए अनिच्छा के साथ एंड मटरिंग एंड ग्रम्बलिंग बड़बड़ाते हुए बुदबुदाते हुए. पिया मूव बैक टू द स्पॉट डाउन स्ट्रेट राइट. पिया फिर राइट की तरफ दाहिनी तरफ अपने कदमों को बढ़ाती है. पिया ए साइड बगल में खड़ी होती है. थैंक्स ए लॉट. धन्यवाद आपका. अबिक यू हैव सेव मी. अबिक तुमने मुझे आज बचा लिया. अबिक दैट्स नॉट एनफ. इतना ही नहीं. थैंक्स से नहीं काम चलेगा. नाउ फॉर द होल मंथ ऑफ चॉकलेट आर माइन. अब जो तुमको पूरे महीने का चॉकलेट मिलेगा यानी मम्मी पापा के द्वारा जो चॉकलेट देंगे वह मेरा होगा. पिया ओह नो भैया प्लीज. प्रिया वह एक स्नेह भरी दृष्टि से बोलती है नहीं भैया ऐसा नहीं.